असम की सलचार में जहाँ चाय के बगान हैं, 30 लाख से ज़्यादा ये बगानों को खाली कराया जा रहा है और उन पर बेरहमी से एक बुलडोज़र चलाया जा रहा है। जो बुलडोज़र की राजनीति पूरे देश में दिख रही है, अब वो पहुंच चुकी है डालू बगान। डालू बगान के 2000 से ज़्यादा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो अपनी आजीविका को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा इस प्लांटेशन को एक एयरपोर्ट के लिए काटा जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे डालू बगान के उन कर्मियों की कहानी जो चाय की पत्तियां चुनते हैं और चाय बनाते हैं, और इन्हीं बगानों पर उनकी आजीविका निर्भर है। आइए सुनिए कि आसाम में क्या हो रहा है। জনগোষ্ঠীর আমরাও একটা অংশ, তো সবের সাথ সবের বিকাশ যদি সরকার বলেন, তো আমাদের আমাদের তো কোনো বিকাশ হচ্ছে না। এখানে খাস জায়গাতে আপনি এয়ারপোর্ট তৈরি করেন, ভালো হবে, আমরা সমর্থন করব সবাই, কিন্তু আমাদের কাজের জায়গাটাকে ছিনিয়ে এত অঞ্চলের পরিবেশকে নষ্ট করে আপনি এখানে এয়ারপোর্ট বানাতে চলেছেন, এটা তো সমর্থনযোগ্য নয়। রুজি রুটি পরিবেশের हमें तकलीफ एयरपोर्ट बनने से नहीं है, हमें तकलीफ इस चीज़ से है कि जो प्लांटेशन हटाए जाएंगे उससे हमारी आजीविका चली जाएगी। और सरकार ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो सरकार हमारे साथ क्यों नहीं है? हम चाहते हैं कि सरकार एयरपोर्ट कहीं और बनाए और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। डोलू टी प्लांटेशन में पहली रेजिस्टेंस अप्रैल 19 को शुरू हुई और वर्कर्स जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जब एक तरह से उनकी जो ज़मीन है उसको मार्क कर लिया गया एयरपोर्ट के लिए। 7 मार्च को एक MOU साइन किया गया जिसे पब्लिक अप्रैल 25 को ही किया गया, जब लोगों ने सरकार पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाया। पहली हियरिंग इस पूरे मामले में अप्रैल 29 को की गई, जबकि दूसरी हियरिंग 2 मई को की गई। उसके बाद से आर्मी की प्रेजेंस इस पूरे इलाके में लगातार बढ़ती गई और एक फ्लैग मार्च का भी आयोजन किया गया। 11 मई को पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई और 12 मई को वहां से लोगों को हटाने की प्रतिक्रिया को शुरू किया गया, जिसके बाद लोगों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया और इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक धरना भी आयोजित किया गया था जो कि NTUI त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था। As per existing act, from the beginning, as 30 lakhs of tea bush along with thousands of shade trees will be destroyed and the thousands of workers and livelihood will be at stake. The union then organized a massive rally of the workers of Dolu Tea Estate against the land acquisition of 2,500 bigas of land. Tea plantation areas in the month of February and sent memorandum to the state government and the central government. Later it is learned from the source that the agreement was kept secret by the signatories of the three trade unions. स्थिति ये है कि जो प्रोसेस शुरू किया गया है लैंड एक्विजिशन का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में, वो प्रोसेस इन प्रोग्रेस है और उसको लेके डिप्लॉयमेंट इन प्लेस है। कुछ लोग रेजिस्टेंस दे रहे हैं, सो उनको बुझाया जा रहा है
कि उनका जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उस हिसाब से उन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। किसी की कोई आपत्ति है तो वो कंसर्न ऑफिशियल से जाके मिलके अपनी आपत्ति को मतलब एड्रेस कर सकता है। इस तरह से सरकारी काम का विरोध करना किसी के भी हित में नहीं है, तो ये ना किया जाए। ये तो काफ़ी दिन करना पड़ेगा। जी, हमारा प्लान इन प्रोग्रेस है, तो हम देखते हैं कि कितने दिन में ख़त्म होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।